अभ्यर्थी इस तरह कर चुके हैं, ग्राउंड तैयार पूरी तरह से हो चुके हैं, दोनों अभ्यर्थी फिलहाल तैयार होते हैं, दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज। जियो कोपर ये पहला गेंद लेके है, पहला क्वार्टर फाइनल। यहाँ पर देखिए आनंद की द्वारा किया बेहतरीन प्रयास, अगर भीड़ हाथों पे रह जाते तो जिया इस टूर्नामेंट का मैं बताना चाहूंगा नहीं। जी हाँ, ये देखा गया फील्डर की जीत होती हुई। वो इस बार देखिए गेंद में किस तरह हरकत ली है, यहाँ पर एक समय सोचा था कि वो इस बार शॉर्ट पिच गेंद और सेटपीस गेंद का सही फायदा उठाते हुए भजिया, ये है मैम मैक्सिमम। जाएगा आधा रन जी, ये भी मैं मैक्सिमम है, ये तीसरा छक्का खराब गेंद थी जिसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए किसान आए हैं। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला है बच्चों का मिलता हुआ ये सब 2,03,030। इस बार रुक गया गेंद को आने दिया अपने पास, अगर शायद प्रयास करते तो एक दो कदम अगर आगे जाते तो शायद कोर्ट पकड़ सकते थे, यहाँ पर रिस्क नहीं आने खिलाड़ी ने। देखिए पंख की वजह से आता हुआ हमारे गैलरी के दर्शकों को गेंद को छूने का स्कोर बढ़ता हुआ 37 यानी 37। इस बार सीधे बोले से नीचे कोपर को ये कोपर ने किया गया, यहाँ पे कोर्ट को ड्रॉप कर दिया है, अब्दुल्ला के बीच वो साझेदारी को तोड़ पा गए। इस बार फिर से पॉइंट की उड़ी गेंद जाता हुआ, इस बार इसलिए हुए और फिर से चौका प्राप्त करता हुआ BR42। दो ओवर की समाप्ति के बाद पुलिस इसका बढ़ता हुआ 42-42। व्हाइट का इशारा, दोनों हाथ उठाकर एम्पियर ने इशारा किया है, ये पहला गेंद अपने गेंदबाजी से प्राप्त किया था ये भी की। तो ये देखिए ऑफ साइड पर बल्लेबाज को बिक कराते हुए जो लाइन को पकड़ते हैं ना वो बढ़िया लाइन पकड़ते हैं इस शख्स मिस्टर भिकी ने। और इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद
हल्का सा जी वो हरे घासों के ऊपर जब भी गेंद टप्पा खाते हैं ना हल्का सा कांटा बदलते हुए गेंद परीक्षा कितनी लेंगे आप और देखिए उसका खर्चा भुगतना पड़ा इतना ओवर प्रगति पर और इस बार देखिए उतनी अच्छी तरह से आई नहीं ऑन साइड पर यह पहला ना और बेहतरीन थ्रो और इसी के साथ जिला टीम का आठ शतक को छूते हुए यहाँ पर आठ शतक को आंकड़ा को पाते हुए यहाँ पर ये वाला गेंद ना काफी कठिनाई के साथ फेंकने के लिए जाने जाते हैं फिर से हुई जिया गेंद को दोहराते हुए भी की लॉक गेंदबाजी जड़ भी गेंदबाजी इसको बढ़ता हुआ 51 लॉस ऑफ किलोमीटर की पर चीज है बॉलिंग का इशारा एक रन का जाफा फुल टॉस 12 जी हाँ बता रहे कि कौन किसको मारा ये बना गेंद जी ऐसा ही ठिकाने पर पांचवा स्थान पर गेंदबाजी करते हुए आनंद इस बार अपना के बल्ले से आता हुआ क्वार्टर फाइनल दोनों ही है टीम के बीच मिला आकाश होता हुआ यहाँ पर इस बार पिच कराते हुए बल्लेबाज और ये क्या रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं इसीलिए उसे फिर से लगातार एक ही जगह पर गेंदबाजी करते हुए आनंद और जिसके चलते परेशानी पे दिख रहा है जी हाँ बल्लेबाज का ग्राउंड खेला एक रन के लिए और इसी के साथ ये चौथी ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 59 तो जो पहले दो ओवर डाले थे वो काफी महंगा साबित हुआ था ये तीसरा और चौथा ओवर थोड़ी किफायती और जिसके चलते फिर से विकी को गेंदबाजी का फैसले देते हुए पर कप्तान ये देखिए अब्दुल्ला के बल्ले से आता हुआ ये 110 मीटर का लंबा का छक्का और ये दूसरा 20 ओवर का ये दूसरा अब्दुल्ला के बल्ले से आता है इनके बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस बार बढ़िया फील्डिंग यहां से अगर देखा गया तो रन बचाए अपनी टीम के लिए कितना रन बचा पाएंगे वो लगभग 2 रन बचाते अपनी टीम के लिए इसी 2 रन के साथ को इसका बढ़ता हुआ 73 यस स्कोर बूस्ट 73
था 110 का था, 116 मीटर का छक्का आता हुआ क्यों ना बदले गए, जब इस तरह का पारी को अंजाम देते हुए। जाने दें इस गेम को, छेड़ करने करने के कोई प्रयास की नहीं यहाँ पर। ये अच्छी सोच बल्लेबाज अब्दुल्ला के द्वारा हिस्सा लेकर के यहाँ स्लिप की ओर जाता। इस बार उतनी अच्छी तरह से बल्ले पर आई नहीं, और इसी के साथ जी आइए दूसरा बार कोर्ट ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर। ओहो इस बार देखिए दूसरा बार, ये आसान सा कोर्ट था, इसमें कुछ मुश्किल होने वाली बात थी नहीं यहाँ पर। और इसी के साथ ये कोर्ट ड्रॉप होते ही एक रन भाग कर पूरा किया। इस एक रन के साथ आखिरी ओवर पर गति पर आगे बजे का भाग संभालेंगे अमन। यहां से अगर देखा जाए तो दो कोर्ट ड्रॉप हो चुकी है। इसकी डायरी शुरू होते छक्के के साथ, इसी छक्के के साथ पुलिस को बढ़ता हुआ। यस एग्जैक्टली, इसको मुफ्त हुई 37। और इसी के साथ ये तीसरे बार कोर्ट को कंप्लीट किया, पहला ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए आज यहाँ सफल होते हुए। आखिरी खेलने वाला खिलाड़ी फिलहाल हमारे इस जी हाँ मैदान पर प्रतिनिधित्व करता हुआ अपना छाप छोड़ा पर टावर पे गेंद जाकर टकरा है यहाँ पर। ये रोहित जी खिलाड़ी इसको मोस्ट 93। छुआ था यहाँ पर पानी तो लगे जगह है उसी को लगभग बिल्कुल करीब। यस वायर उसी के साथ 100 का आंकड़ा छूते हुए पंकज जी ने ये सकता बीस का इसको रो 500 बराबरी तो कर चुके हैं जी हाँ पानी तोला तिनसुकिया के साथ, क्या आप उस बराबरी को क्रॉस कर पाएंगे। एक रन तो आ चुके हैं जी हाँ, क्रॉस तो कर चुके हैं वो, ये बन चुके हैं इस बैकऑन एससीसी टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर। तो जी हाँ इसी के साथ इसको बढ़ता हुआ ये सब्जेक्टली 102 दिस इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट। उसको कितनी समय लगता है चेस करने के लिए। ये पहला गेम मलिंगा का, यहाँ पर देखिए ये निगाहें हटी और दुर्घटना घटी। अमित उन्होंने अरविंद कैप्टन और अमार घुटना को फॉर्म होने का विशेष प्रोफॉर्म है।
आर्मी निकल के धुजियां दोगे और दोनों ही वीडियो पे ये तो क्या हुआ था कि कौन भी आई थी व्यक्ति अनुरोध जाना इलेक्ट्रिशियन अपना जो हलते बोला नहीं आम ঘুঘুনা দখল সম্মুখত আহিবলৈ আমি জনাইছো। জি আই চি কিছু আমি ওৱান মাউচ চৌকা মেটা আমাক इस बार मन के ऊपर से आई थी मुक्तों का इस बार स्वर्ण की दिशा बना था वह एक छक्का इसी के साथ ये स्कोर को कंप्लीट किया। ये पहला झटका लगता हुआ नानी सिलेवर को इससे पूरी टूर्नामेंट में अब तक पहुंच जीते हैं। ये रफी के दर्शक गौर से देखिए ये छक्के से हमेशा अपना पारी का शुरुआत करते हैं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 60 के बीच से आए हैं अमित स्टाइपर आनंद छेत्री। ये लेग साइड की गेम जी हाँ दोनों हाथ उठाकर एम्पियर ने इशारा किया है कि दिस इज द व्हाइट बॉल। तो जी हाँ ये व्हाइट बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। तो जी हाँ वो इशारा कर रहे हैं हमारे एम्पियर नौ बॉल का। वो जी हाँ एक बार सोचा था खिलाड़ी ने कि ड्राइव दे देंगे उसके बाद क्या सोचा कि टारगेट काफी बड़ा है तो जिसके चलते प्रयास तो बढ़िया किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए। फिर से उसी स्तर पर एक दिन आता हुआ इस बार बचा पाएंगे बड़ी हाँ फील्डिंग और इसी के साथ क्या हुआ कि दो रन बचे अपनी टीम के लिए। तो जी हाँ इसी के साथ क्या हुआ था कि अमित जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं उसका मनोबल टारगेट की ओर भी आप याद कर लीजिए 103। इसमें ये गेंदीन गो वाला गेंद भाई अमित का। तो जी हाँ बता रहे कि जो आपका नेचुरल डिलीवरी है ना लीगल डिलीवरी उसे आप कीजिए। इस बार शायद जी हाँ व्हाइट का ऐसा नहीं एक रन का इजाफा यहाँ पर बनाने होंगे तब जाके वो रन रेट रिकॉर्ड रन रेट के साथ साथ चल पाएंगे। एक रन सही बल्ले से आए लेकिन एक ग्राउंड शॉट जिसके चलते केवल एक ही रन। बच्चा एक ही धोखा से खुश होंगे अपर पंगा जिले में। फील्डिंग है पर सर क्योंकि यहां पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका
और उसी के साथ क्या हुआ कि दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 27 बहुत पीछे चलता हुआ ईरानी से लेवन रिवाज का गेम 80 वाट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। किस तरह ये गेंद टप्पा खाने के बाद वो काम है बदलते हुए जी हाँ धीरे से वही लेन को बरकरार रखते हुए और ये ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको बढ़ता हुआ 32 लाइन के ऊपर से क्रॉस हुआ जिसके चलते व्हाइट दिया देना मुनासिब नहीं समझा। इस बार वन साइड पर गेंद जाता हुआ जब तक फील करे आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे। तुझे आज फिर से ये स्विंग प्राप्त करते हुए अपर मालिंगा और ढेर रही पर दुरुस्त ये देखा जाएगा कि वो जी यहां प्रयास किया था लेकिन आराम से आज इसके चलते हाथों से चिट्ठे कर गए क्या मेरे संपर्क होते हुए ये छक्का आता हुआ और 38 रन आ चुके हैं बोर्ड पर धानी से रन की पॉइंट के ऊपर से गेंद जाता है नीचे खिलाड़ी तैनात और 1 ही रन आना चाहिए और इसी 1 रन के साथ ये 4th ओवर समाप्ति 4th ओवर से समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 40-0। आशीष सागरकर इसमें का दूसरा इनिंग्स का 5वां जी हाँ ये बल्लेबाज गेंदबाज का पास हो खूबी है गेंदों को घुमाने का वो जादूगर है ये देखिए ये डबल टच हुई थी ओ खालिद के द्वारा बढ़िया फील्डिंग रन बचे आपने टीम के लिए खालिद ने
जिसे वो डॉट बॉल का सिलसिला जारी रखता हुआ एक खिलाड़ी, ये आशीष सागर का और ये फुल टॉस गेंद शायद मिस हुआ और सर बाउंस में टकराई थी ये गेंद। और इस बार उन्हों की हाथ देखते क्या बेहतरीन प्रयास, इस प्रयास की 100 नंबर मिलना चाहिए। निपुण देखा था वो खिलाड़ी जिन्होंने ये प्रयास किया था, रोजी प्लेयर। और इस बार विकेट कीपर के पीछे कोर्ट का कॉल आया था और इसी के साथ ये सफलता आशीष अपना नाम करते हुए ये आशीष को मिलता हुआ। छप्पन रन बनाए थे ये खिलाड़ी। मुझे आज बल्ले की निचले हिस्से पे लगी थी ये गेंद, एक रन चुराते हुए मनोरम की बल्ले से एक रन आता हुआ नहीं बल्लेबाज खिलाड़ी स्ट्राइक पर 0-5। नीचों का आता हुआ बल स्कोर बढ़ता हुआ 48-48। स्टेप आउट किया गेंद को सही बल्ले पर गया लेकिन वो गेंद ढूंढ नहीं पाए जिसके चलते केवल एक रन। ये बता दें कि ये आखिरी ओवर चलता हुआ ये दूसरी इनिंग्स का। फिर क्या लेग साइड पर गेंद जाता हुआ चौके की ओर और इसी के साथ ही आप और इसी के जरिए हमें पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है।